खबर मुजफ्फरनगर के पुरकाजी कस्बे से है, जहां प्रभारी निरीक्षक मुकेश कुमार गौतम द्वारा दोनों समाज के जिम्मेदार लोगों की मीटिंग की गई। इस दौरान उन्होंने लोगों से प्यार और भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि शांति व्यवस्था बिगाड़ने वालों को मोहल्ले के जिम्मेदार समझाएंगे, अगर वो नहीं समझे तो फिर उन्हें बताएं, वो उनको अच्छी तरह समझा देंगे। दरअसल कोतवाली परिसर में आयोजित मीटिंग में इलाके के सभी जिम्मेदार लोगों को बुलाया गया था, जिसमें प्रभारी निरीक्षक मुकेश कुमार गौतम ने लोगों से समस्या पूछी। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक ने कहा कि त्योहार का वातावरण प्यार होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भारत की भूमि पर पैदा हुए हैं, एक दूसरे से सही भावना रखें। उन्होंने कहा कि कोई समस्या हो तो एक दूसरे के सामने बताएं, तब इसका समाधान जल्द ही होगा। दिल में बात रखने से समाधान नहीं होता। उन्होंने कहा कि आगामी त्योहार भाईचारे के साथ मनाएं और एक दूसरे के त्योहार में शामिल हो, इससे प्यार मोहब्बत भाईचारा बढ़ता है। साथ ही उन्होंने बताया कि बाइक पर 3 सवारी करने वालों की बाइक सीज की जाएगी। साहब के द्वारा भाजपाजी थाने में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें थाना क्षेत्र में पड़ने वाले ग्राम के ग्राम प्रधान, भाजपाजी के चेयरमैन और मौजूद लोगों की एक मीटिंग आयोजित की गई है, जिसमें आने वाले त्योहारों को लेकर इंस्पेक्टर साहब के द्वारा अपील की गई है कि जितने भी त्यौहार हैं वो शांतिपूर्वक तरीके से मनाए जाएँ, सभी लोग आपसी सौहार्द से मनाएँ। किसी तरह का अगर कोई दंगा करने की या त्यौहार को बिगाड़ने का प्रयास करता है तो कानून और शासन प्रशासन उस पर कठोरतम कार्रवाई करे। इंस्पेक्टर साहब के द्वारा पुरकाजी के सम्मानित लोगों के द्वारा उनकी राय जानी गई। आज पुरकाजी कोतवाल साहब द्वारा थाना प्रांगण के अंदर पुरकाजी और क्षेत्र के गांव देहात के जिम्मेदार लोगों को, जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया है और सभी को ये बात बताई गई है कि शासन आदेश है कि जो भी जुलूस निकलेंगे, कोई भी कार्यक्रम होगा जिसके अंदर भीड़ का आयोजन हो, तो उसके अंदर जो आयोजक होगा वो एक अपना शपथ पत्र देगा और जिस रूट से जाएंगे या जहाँ भी कार्यक्रम होगा उसकी पूरी जानकारी देंगे और बिना जानकारी के कोई इस तरह के कार्यक्रम ना किए जाएं। और कोतवाल महोदय द्वारा जनता के हित में ये भी कहा गया है कि 3 लोग जो मोटरसाइकिल पर चल रहे हैं बिना हेलमेट के चल रहे हैं, अभी तो उन्हें फिलहाल रोक के चेतावनी दी जा रही है, आगे से उनके खिलाफ चालान की भी कार्रवाई की जाएगी। दोनों ही प्रक्रियाएँ समाज के हित में अगर अच्छी दृष्टिकोण से की जाती है तो अच्छे हित में है। भाई 3 बच्चे अगर मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, हमारे ही बच्चे हैं, कहीं गिर गए, पड़ गए, चोट लग गई, जब भी नुकसान समाज गई है और नियमों का पालन होना चाहिए।